हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सिक्स साइंस में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन मेजरमेंट मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चैप्टर का नाम है। यह हम देखते हैं, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है और कोई मोशन है तो मोशन कितने तरह का होता है और फिर कोई डिस्टेंस अगर ट्रेवल किए गए तो उसको नापते कैसे, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सारे पॉइंट जो है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सो व्हाट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस है, ये सारे तीन टॉपिक्स हैं जो कि एक एक करके देखते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन क्या है। देखिए मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन का इंट्रोडक्शन करने से पहले ये बताएं कि हम मोशन चेंजिंग प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो कहने का मतलब हम अपनी जगह का समय के साथ अपनी जगह को जो बदलना कहते हैं वह मोशन कहला सकता है, वह डिस्प्लेसमेंट भी कहला सकता है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। तो मोशन में क्या है, हम एक जगह सपोज करिए कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है यहाँ पे, सपोज कर 10:10 AM है, फिर कुछ देर बाद ये अपनी जगह बदल के यहाँ आ जाता है ये आदमी, ठीक है, समय की बात। अब ये आपका जो है हो सकता है 10:12 AM हो जाए, तो अब कहने के समय के हिसाब से इसने कोई एक प्लेस बदला, ठीक है, ही हैड चेंज्ड प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर, यहाँ ए से जो है बी की तरफ वो आया, कोई 2 मिनट के अंदर वो आया, तो इसका मतलब क्या, वो मोशन किया। तो मोशन फास्ट होता है, स्लो हो सकता है, तमाम तरह की बातें हैं, वो तो अलग है। अब मोशन हो रहा है तो मोशन किस तरह से हो रहा है, जैसे आदमी अपनी पैर से चल सकता है, आदमी वाया जैसे कभी गाड़ी का यूज कर ले, तो यही बताने का मतलब है कि हम जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं उसी को हम मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह दूसरे जगह जाने वाले जो यंत्र होते हैं, तो मीन मतलब माध्यम। सो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो हम एक जगह से दूसरे जाने में डिफरेंट मोड, डिफरेंट तरीके से, जैसे यहाँ बाइसिकल है, प्लेन है, ये स्टीमर है, पानी की जहाज, ये बैलगाड़ी है, बस है, ट्रेन है, तमाम तरह की चीजों का यूज करते हैं। तो यही कह रहा है स्टोरी ऑफ मोशन क्या है, सबसे पहले हम शुरुआत में पैदल से चल के रहे हूँ, हो सकता है घोड़ा से चलने लगे हों, घोड़ा बैलगाड़ी आ गई हो, रथ आ गया हो, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल की खोज हुई, पानी वाली जहाज से आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा, सामान ले जाना, बस आई, ट्रेन आई, मतलब ट्रेन पहले आई, बसेज आई, पानी की जहाज आई, उसके बाद फिर अब प्लेन से लोग इस दुनिया से दूसरे दुनिया को जाते हैं, जैसे समय बदलता गया फ्रॉम एशियन टाइम टू, यही कहने के एशियन पुराने समय से ठीक है, आज करंट जो टाइम है, मॉडर्न टाइम है आपका, वहां पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड मतलब माध्यम जो हमारा बदलता गया, हमी लोग पहले साइकिल से चलते थे, अभी स्कूटर बाइक आ गई, कार आई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, तमाम तरह की चीजें हैं घरों में यूज होने लगा, इसी तरह लोग ट्रेन से जाते थे, पहले कोयला वाली गाड़ी थी, अब ट्रेन है, अभी बुलेट ट्रेन आ रही है, इसी तरह सिंपल प्लेन थी, और जेट प्लेन है, तमाम तरह की ये चीजें हैं। तो ये था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में, यही बताया गया है कि शुरुआत में कैसे आदमी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज करके अपना, पैदल चलने में बहुत समय लगता है तो ये इन सब माध्यमों से थकाई भी लगती है, तो इन सब माध्यमों का यूज करके आदमी एक जगह से दूसरे जगह चलने का प्रारंभ किया, यही बताना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, हम कोई डिस्टेंस को नापते कैसे, ठीक है, सो कोई भी है डिस्टेंस नापते हैं, ठीक, डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग
क्या करते हैं, पुराने समय में अगर छोटी डिस्टेंस है, छोटी चीजें नापने, तो हम अपने हाथ की अंगुले से नापते थे, या कोई पटरी से, या कोई डोरी से, या कोई ऐसी डंडी से कपड़ा खरीदने जाते थे। अभी तो सब रेडीमेड कपड़ा है, अदरवाइज कपड़ा खरीदने जाते थे तो एक लोहे की राड होती थी, मीटर, मीटर एक गज की होती थी, मीटर की होती थी, उससे नापते थे। तो यहाँ पे कई तरह की बात कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ डिस्टेंस के मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की मेजरमेंट की बात इसलिए की जा रही है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कितना दूरी गए, ठीक है, कितने से मतलब है। तो दो चीज आ गई, एक तो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल आ गया पहली, दूसरी टाइम आ गया, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, ये दो हमारे दिमाग में आ कि अगर आदमी एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसको जाने कितनी दूरी गया और जाने में कितना समय लग गया। क्योंकि कोई आदमी ए से बी की डिस्टेंस सपोज करिए 10 मिनट में चल सकता, कोई आदमी सेम डिस्टेंस को 12 मिनट में ले लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको किस बात से कह सकते हैं, तो एक नई बात आ जाती है जिसको कहते हैं स्पीड कह सकते हैं, वह तेजी से कितना जा रहा है। तो स्पीड निकालने के लिए, जब ये डिफरेंट निकालने के लिए क्या है, कैसे पता करेगा कौन ज्यादा है कौन है, तो इसमें क्या कहेंगे, समय डिस्टेंस तो दोनों का ए बी ही है, टाइम में एक बार 10 लगा तो स्पीड क्या आएगी, ठीक है, 1s है, फिर दूसरा स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस तो वही है, दूसरा 12 लिया तो देखेंगे जो ज्यादा समय ले रहा है वो उसकी कम स्पीड है, जो कम समय ले रहा है उसकी ज्यादा स्पीड है। तो वही है, कोई काम अगर आप जल्दी कर ले तो कहेंगे आप ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एफिशिएंट हो, जो काम देर में करेंगे आप लेस एफिशिएंट। इसलिए कोई डिस्टेंस आदमी जल्दी ट्रेवल करेगा तो कहेंगे उसकी ज्यादा तेजी से काम किया, कोई कम ज्यादा समय लेगा कहेंगे कम तेजी से काम किया। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस हमको मेजरमेंट करना आना चाहिए, उसकी कई यूनिट्स हो सकती हैं, बेसिक यूनिट्स जो हम अपने लोकल में यूज करते हैं, लेकिन लोकल में क्या है हर जगह पे अलग अलग हो सकती हैं। अगर अपने हाथ का पंजा यूज करें तो किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो वेरिएशन होगा। पैर का यूज करेंगे तो किसी का पैर छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स क्वांटिटी हो जिससे सारा चीज बराबर हो, कोई पार्शलिटी ना हो कि भाई तुम अपने हाथ से नहीं मेरे हाथ से नापो, इस तरह की बातें हों। तो इन सब के को लिए एक यूनिट्स आई, एक मानक बनाया गया, स्टैंडर्ड सब जगह जो पूरे वर्ल्ड में माना गया, तो उसको क्या कहते हैं, SI यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल। SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, नेशनल सिस्टम, ठीक है। तो जैसे SI में जो है कोई डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, ठीक है, बेसिक जिसको यम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यम से तो कोई एक डिस्टेंस दूसरी मीटर में, एक मीटर हमने पहले भी मेजर मैथ में पढ़ा, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है 100 सेंटीमीटर, ये होता है। इसी तरह बड़ी डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। तो ये सारी चीजें है, बाकी किलोमीटर सेंटीमीटर के बराबर मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इस तरह के छोटी यूनिट्स हैं, इससे भी छोटी यूनिट्स आती हैं, जैसे समय लगेगा, जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो ये सारे क्या है, ये सब डिस्टेंस को मेजर करने, कोई लंबाई को मेजर करने की यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन एशियन टाइम पीपुल यूज लेंथ ऑफ ए फुट, पैर की लंबाई, द वाइथ ऑफ फिंगर, फिंगर की लंबाई, डिस्टेंस ऑफ स्टेप यूनिट ऑफ मेजर, दिस कॉज कन्फ्यूजन एंड नीड अ डेवलप यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्म एक बराबर हो कि भाई आप कहाँ छोटा बड़ा है, आपका पैर छोटा बड़ा है तो कम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बराबर का नाप रखो। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट जिसको बोलते हैं, दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भाई व्यापारिक आजकल विदेशों में भी लेन देन होने लगा है, तो कपड़े की लंबाई इसलिए कहेंगे भाई 10 मीटर या 100 मीटर किसी ने ऑर्डर दिया तो आपको वही देना है, कि पता चला यहाँ का दूसरा मीटर है, वहाँ का दूसरा मीटर है, तो लेन देन में हिसाब गड़बड़ ना हो इसके लिए SI यूनिट बनाया गया। इसके ऊपर और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ डेस्क विथ
गिल्ली और डंडा, गिल्ली डंडा से जो है डेस्क की लंबाई नाप कर रहे हैं, तो अलग है। किसी का गिल्ली डंडा इतना है और किसी ने बड़ा ले लिया तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे नापे तो इतने में काम हो रहा था, अब यहाँ पे नाप लिए तो उसकी स्थिति ज्यादा बड़ा हो गई। ठीक है, यहाँ पे आधा था तो आधा से इनका ज्यादा आ रहा है। तो कहने का मतलब अलग अलग लंबाई की गिल्ली डंडा है, ठीक है, बेसिक लिया गया है डंडे से नाप। अब क्या है मेजरमेंट, कह रहा है मेजरमेंट क्या है, द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो कहना है कंपेरिजन करना है, जैसे ये डोरी है ए से बी की है, तो हमारे पास एक स्केल है 30 सेंटर की, ये नोन क्वांटिटी आप, ठीक, नोन है, नोन है क्या भाई, ये 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है या 6 इंच है। इससे क्या बताइए ये कितना होगा, ए बी कितना, तो नापना शुरू करें भाई, एक दो हो सकते 3 में काम हो गया, तो क्या है 15 या 45 45 सेंटर। तो ये नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, मेजरमेंट। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही सारी चीजें होती है कि इससे ये कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। कन्वेंशनल मेथड में हमने पहले बता दिया कि जो पुराने समय में होता था क्या है, हर एक आदमी से अलग अलग होगा, जैसे हैंड स्पा टिप्स, वही आप हाथ के पंजे का यूज कर लीजिए क्यूबॉइड, मिडिल फिंगर से, आर्म लेंथ से हाथ से नाप लिए कितना हाथ है इतना फुट है, तो ये सारा कन्वेंशनल मेथड था। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमने जैसे डिस्कस किया क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट मास जैसे के लिए, लेंथ के लिए जैसे लंबाई के लिए कहा मीटर में हुआ, और कोई वेट है तो उसको किलोग्राम में है, टाइम को सेकेंड, तो बेसिक यूनिट्स क्या है, अगर कोई मास है, मास मतलब कोई वेट है तो उसको किलोग्राम में करते हैं, 1 किलो 2 किलो, टाइम है तो उसको सेकेंड में करते हैं, फिर कोई समय लेंथ है तो मीटर में, फिर बड़ा 10 मीटर 100 मीटर इस तरह बदल लेते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट्स यही है, एसआई यूनिट्स यही है। ठीक है, लेंथ के लिए लंबाई के लिए मीटर एसआई यूनिट है, याद रखिए, किलो मास के लिए कोई वजन है उसके लिए किलोग्राम, कोई टाइम है तो सेकेंड। अब यहाँ दिखा रहे हैं कि कोई नाप करना है तो कैसे करेक्ट नाप करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपको मेजरमेंट करना है तो 3 तरह की पोजीशन है, यही स्केल में क्या है आपको ये रीडिंग पढ़ना है, तो एक ऐसे पढ़ेंगे तो ये आदमी इस पॉइंट को क्या समझ सकता है, आगे समझ सकता है, ये आदमी इस पॉइंट को ये पॉइंट ना समझ के यहाँ समझता है, तो इसलिए कोई करेक्ट मेजरमेंट कहने का मतलब है कि हमको एकदम स्ट्रेट आंख की सीध में वो पॉइंट को देखना है, अगल बगल से नहीं देखना है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि बी जो है प्रॉपर, बी इज द प्रॉपर पोजीशन ऑफ आई फॉर टेकिंग रीडिंग, पटरी में इस तरह देखना है, जैसे यहां पे हम मेजरमेंट करते हैं तो हमको ये देखना है, जैसे यहाँ स्केल है, स्केल में देखिए अगर हम लंबाई तो यहाँ थोड़ा सा नीचे है, झुकी है, ठीक है, अगर इसकी सीध में होना चाहिए, ठीक है, ये कहने का मतलब इतना गैप है, तो गैप नहीं होना मतलब एकदम सीध में रखना है, नहीं तो गलत रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे कुछ 13 से कुछ ज्यादा आ रहा है, तो यही कहने का मतलब जब हम मेजरमेंट करें तो अपनी स्केल और अपनी आंख को प्रॉपर तरीके से रखना है, ये इसमें बताया। अब ये कह रहा है कि कोई अगर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है तो उसको कैसे मेजर करते हैं, सीधी वाली तो कर लेते हैं, तो कहने का मतलब उसमें इंची टेप होता है, तो कर्व लाइन को इंची टेप से आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इंची टेप अपना डोरी से फैला के उसको डोरी से मेजर करके फिर कर लेते हैं, इंची टेप ले लीजिए प्लास्टिक वाला, नहीं तो क्या करिए, अगर वो ऐसे लंबा लंबा है तो क्या करिए, उस डोरी उसी के ऊपर डोरी डोरी चढ़ा दीजिए, चढ़ाने के बाद उस डोरी को सीधा करके नाप लीजिए, दैट इज द अदर वे ऑफ, कोई कर्व चीज, कोई कर्व टेढ़ी चीज है तो वो सीधी नहीं हो सकती, लेकिन आप स्केल इंची टेप या डोरी से उसके ऊपर चढ़ाने के बाद उसकी लंबाई नाप लेंगे तो ये पता चल जाएगा ये कर्व का कितना डिस्टेंस है। अब हम आते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने दो चीज किया कि मोशन क्या होता है, और मोशन है तो उसके बाद डिस्टेंस होती है तो उसके मेजरमेंट क्या होगी। अब कह रहे टाइप ऑफ मोशन, जब मोशन चलता है तो कोई कोई सीधी रेखा में चलता है, कोई गोली रेखा में चलता है, कोई आगे पीछे चलता है, तो इन्हीं के आधार पर मोशन को बांटा गया। मोशन को जनरली कहा गया लीनियर मोशन, ठीक है, तो और दूसरा लीनियर मोशन है,
फिर एक आपका जो है लीनियर मोशन पहला कहा गया, फिर एक रैंडम मोशन कहा गया, फिर एक सर्कुलर मोशन कहा गया, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन कहा गया, पीरियोडिक मोशन कहा गया, तो फिर एक नॉन पीरियोडिक मोशन कहा गया, फिर एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो कुल मिला के जो है कुल मिला के हम लोग लगभग आठ तरह के, ठीक है, लगभग एट टाइप के मोशन, एट टाइप्स मोशन हुए, ठीक है, एट टाइप्स मोशन हुए। तो पहला मोशन आपका रिवोल्यूशन, ठीक है, एक रिवोल्यूशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के एक चारों तरफ घूमना, ठीक है। तो सॉरी अभी तो हम सर्कुलर नहीं, अभी हम टाइप ऑफ मोशन में ही आ रहे हैं। तो जनरली हमारे टाइप ऑफ मोशन में आठ तरह के मोशन की बात की गई, उसमें से पहला जो आपका है, एक जो है लीनियर मोशन, जो आपका पहला मोशन है लीनियर मोशन, ऐसे सीधी रेखा में चलने वाला मोशन। तो अब क्या है कि मतलब लीनियर है कि मतलब एक ऐसे चल रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है सड़क पे, तो इन दोनों में क्या है, लीनियर मोशन को दो कहा, एक रेक्टेंगुलर जो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए और दूसरा जो कर्व में घूमे, ठीक है, इस तरह के मोशन को लीनियर मोशन का, क्योंकि ये भी एक रास्ते में ही चल रहा है, ठीक है, थोड़ा रास्ता घुमा हुआ है। तो ये आपका जो है पहला लीनियर मोशन दो तरह से, एक रेक्टेंगुलर जो सीधी रेखा में जाए, ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे कह रहे ग्रुप ऑफ आंट, जो चींटियां एक लाइन में चलती हैं उसके एक के दूसरे पीछे। फिर कर्वलीनियर मोशन के ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए कर्व, एग्जांपल है कार मूविंग कर्व, रोड के कर्व में जो एक कार मुड़ती है, तो कर्वलीनियर मोशन, लेकिन दोनों लीनियर मोशन। रैंडम मोशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एंड चेंज डायरेक्शन इन इररेगुलर मैनर, कहने का मतलब आदमी यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो इस तरह के मोशन को क्या है, कोई उसका एक पैटर्न नहीं बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रैंडम मोशन, ठीक है अपने। तो एग्जांपल क्या है, बटरफ्लाई, तितली है, मक्खी है, ये सारी चीजें। सर्कुलर मोशन की कोई आप जैसे सर्किट में बार बार घूमे, ठीक है, जैसे कि पहले जमाने में तेल के लिए बैल को चलाया जाता था, तमाम है पानी निकालने के लिए। ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर मैनर इन रिलेशन टू इट्स ओन एक्सिस, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ से घूमना सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूमना, यहां से शुरू करे, फिर जाए, फिर आए, यही कहने का मतलब। ऑब्जेक्ट रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, तो कहने का मतलब यहां से उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो ये सर्कुलर पाथ हो जाता है। फिर क्या है, अब कह रहे सर्कुलर मोशन भी दो तरह के हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मोशन दो तरह के, इसी तरह सर्कुलर मोशन आपके दो तरह के, एक रिवोल्यूशन क्या है, एक रोटेशन क्या है। रिवोल्यूशन के ऑब्जेक्ट मूव एज अ होल अराउंड ए फिक्स सेंटर, वही सर्कुलर की बात, सर्कुलर क्या है, कभी ये इस तरह भी, ये एग्जैक्ट सही ए इलिप्टिकल हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव होल ए फिक्स सेंटर, कहने के बताइए कोई सेंटर है तो कोई ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ से घूमा है, तो सर्कुलर भी इसमें आ सकता है, इलेप्टिकल भी आ सकता है, जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। और के रोटेशन क्या हो, तो इसी तरह क्या रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी फिक्स, जैसे पंखा है, पंखा एक जगह फिक्स है और उसकी ब्लेडें घूम रही हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई अर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग घूम रहा है, लेकिन पंखा कोई फैन है, ठीक है, कोई फैन है तो क्या करता है, फैन ऐसे ही तो घूमता है, ब्लेड के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है, ये उसकी लाइन है, इसी के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, जैसे मूविंग फैन है, विंड मिल है। फिर इसके बाद आपका जो है चौथा वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन करता है, कंपन आना है। तो वाइब्रेशन में क्या है कि जैसे यहां जाएगा, ये पॉइंट है, जाएगा फिर लौटेगा, ठीक है, जाएगा लौटेगा, टू एंड फ्रो करना, इसको वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। ये स्ट्रिंग जैसे गिटार की तार को आप कर दीजिए,
फिर एक पीरियोडिक मोशन कि एक समय के बाद वो फिर से अपनी जगह पे आएगा फिर जाएगा, जैसे घड़ी का पेंडुलम, जैसे कोई यहाँ पे लटका है और इस पाथ पे जाएगा फिर लौट के आएगा फिर जाएगा फिर लौट के आएगा, तो इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में वो समय लगाता ही रहेगा, सेम समय में आता जाएगा, ठीक है। टू एंड फ्रो सेम पाथ अगेन अगेन, वाइब्रेशन में क्या है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार ऐसे ऊपर नीचे चल सकता है ऐसे ऐसे, ठीक, ऊपर नीचे ऐसे तार ऊपर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, इसमें क्या है, इसमें ऐसे इस तरह जाएगा, ठीक है, ये अंतर है। जैसे हीट बीट पेंडुलम ऑफ क्लॉक, इस तरह की चीजें चलती हैं। नॉन पीरियडिक मोशन जो एक फिक्स समय पे नहीं आते जाते, ठीक है, जिनका रिपीटिशन रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन में उनका ए बॉडी जो है एक समय, जैसे 10 मीटर चलता है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमेशा 10 मिनट में 10 ही मीटर चलेगा, उसका डिस्टेंस जो है एक फिक्स टाइम में हमेशा फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। मैंने बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, 10 मिनट दे दिया तो 10 मीटर ही जाएगा, या और भी है कि समय फिक्स है तो फिक्स ही में जाएगा, तो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, हमेशा अलग जाएगा। अब गाड़ी कोई चलती है तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होती, क्यों, कभी धीम कभी तेज चलती है, कभी मान लो शुरुआत के आधे घंटे रोड खाली रही तो ज्यादा दूर कवर कर ले, मान भीड़ आ गई ट्रैफिक आ गई तो आधे घंटे में बड़ी कम डिस्टेंस जाएगी, तो इस तरह को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इस तरह के आपके 8 तरह का। अब यहाँ वही रेक्टेलियन का थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया, ठीक है, रेक्टेलियन का मोशन स्ट्रेट लाइन में, जैसे सैनिक चलते हैं एक लाइन में, तो रेक्टेलियन की बात है। सर्कुलर में यहाँ दिखाया गया, देखिए पंखा ये चल रहा है, ठीक है, ये बैल खींच रहा है पानी में, तो कोई ये वो क्या कहते हैं हवा की दिशा नापने वाला यंत्र है, ठीक, तो यही है, इसके चारों तरफ सेम घूमेगा, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल। पीरियोडिक मोशन हमने देख लिया, ये घड़ी का है, ये स्ट्रिंग का है, ठीक, ये घंटी का है, कोई आदमी ऐसे झूले में आगे पीछे जा रहा है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंट तरह के मोशन थे, सिर्फ डिफिनेशन बेस्ड था। देखिए क्या है समरी में, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एशियन टाइम पीपल लिस्ट, लेंथ ऑफ फुट, ये सारे डिस्कस किए, एसआई यूनिट हमने डिस्कस किया, मीटर का एसआई यूनिट होता है। स्ट्रेट लाइन चलेंगे तो रेक्टेलियन मोशन होता है, सर्कुलर में चलेंगे तो, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस है मोशन, रिपीटेड सेल, ठीक, कोई मोशन रिपीट एक ही बात में रिपीट करता है तो पीरियडिक मोशन कहते हैं। मेजरमेंट की हमने बात कर दिया, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल स्टैंडर्ड यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। मोशन का यहाँ कई टाइप के थे, जैसे लीनियर का था, ये सारी चीजें, सातों आठों का, बस यही सारा चीज है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड, थैंक्स।